हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी फेस लिफ्ट की, 2017 डीजल की। भाई तो ये देख लो भाई, ये फेस लिफ्ट वाला वेरिएंट है। जो हमने एक और पुरानी दिखाई थी ये उससे अलग है, इसके अलॉय वगैरह सब अलग हैं। देख लो, एक गाड़ी का वॉक अराउंड ले लो। पीछे से सेम ही है, आगे से थोड़ी सी लाइट्स वगैरह का डिफरेंस आया बस। VX है, टॉप मॉडल सनरूफ वाला ID.Tech। नंबर प्लेट आ जाती है, कैमरा आ जाता है। आज हम इसके ओनरशिप रिव्यू की बात करेंगे, ओनर से हम आपको मिलवाएंगे गाड़ी के। देख लो एक बार, पहले थोड़ा सा हम आपको खुद ही बता देते हैं कि क्या क्या है, फिर एक बार ओनर से आपकी बात करवा देंगे हम। तो इसकी लाइट्स जो आती हैं वो थोड़ी सी अलग आती हैं। इसमें है तो सेम ही पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है, डिज़ाइन में भी अलग हैं, थोड़ी सी अच्छी लगती हैं दिखने में। पुरानी वाली भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आगे से थोड़ा सा चेंज करा है बस, ग्रिल वगैरह भी थोड़ी सी चेंज है। होंडा का बीच में आपको फिर से एक बड़ा सा लोगो दिख जाएगा, उसके नीचे एक और ग्रिल है। इस साइड चलें तो ऊपर आपको सनरूफ दिख जाएगी। ORVM पे सेम, यहाँ पे सेंसर यहाँ पे आपको ORVM पे इंडिकेटर दिख जाएगा। टायर साइज की बात करूँ तो टायर साइज है इसका 185/55R16 इंच के। इसमें ये रिम्स हैं जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं इसको। तो भाई ऐसी सेम इसमें की मिल जाती है, जिसका बूट अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये भी उठ जाता है, पूरा ऊपर नहीं होता। देख लो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस आ जाता है गाड़ी में। ठीक है भाई, सेम बूट स्पेस है, कोई लेंथ वगैरह छोटी नहीं करी है कंपनी ने। बैक सीट्स की बात करें डोर वगैरह भी सेम है भाई गाड़ी का, कोई डोर में भी चेंज नहीं करा गया। बस थोड़ा ये प्रीमियम सा और लग रहा है, थोड़ा कलर डार्क कर दिया है इसका। सेम यहाँ पे भी आपको पावर बटन पुश, मतलब विंडो डाउन का, ट्विटर पे यहाँ पे आपको साइड में एक ऐसे सिल्वर सी फिनिश मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी लग रही है। सीट्स देख लो, इसमें 70 मैट्स डले हुए हैं, सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं इसकी। तो भाई कंफर्टेबल कार है अपनी, सेडान है, सेडान चलाओ, गड्ढों वगैरह में कुछ पता नहीं चलता। पीछे आपको AC vents दिख जाते हैं, ऐसे कुछ काफ़ी अच्छे हैं। नीचे आपको दो पावर आउटलेट मिल जाते हैं 12-12 वोल्ट के। सेम है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो हैलोजन है, पुराने वाली में वो बाहर से वाइट लाइट डली हुई थी। सेम यहाँ पे सनरूफ आपको दिख जाएगी, वो हम आपको खोल के दिखा देंगे एक बार। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो इस कार में है वो है, जो पुराने वाली थी वो तो थी भाई 2015 वाली, तो उसका जो इंजन था वो इतना रिफाइंड नहीं था और उसमें गियर भी 5 थे, और इस वाली में है 6 गियर और इसका इंजन बहुत रिफाइंड है। एक बार आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ मैं। तो देख लो भाई, 2017 होंडा सिटी का इंजन कितना रिफाइंड है, 6 गियर का है। सेम इसमें भी इंजन वगैरह सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, बस इसमें एक गियर बढ़ा दिया है, 6 गियर वाला है। इसमें भी सेम ऊपर आपको यहाँ पे कि ऐसे कवर सा मिल जाता है जिससे आवाज़ अंदर कमी जाती है, बाहर थोड़ी बहुत आ जाएगी, अंदर अब ये कार बिल्कुल रिफाइंड है। और खैर भाई, वो कार पुरानी भी थोड़ी वो 1,00,000 किलोमीटर कवर कर चुकी है, देख लो। अच्छा है इसका इंजन काफ़ी। तो बोनेट को करते हैं बंद। अब इसके थोड़े आपको अंदर से दिखाएं तो सेम चीज़ें हैं इसमें भी। सेम आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है जैसे उसमें थी, कोई भी ये वैसे बटन से पावर वाली नहीं है, आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। और ऐसा आपको इसका फ्रंट कैबिन दिख जाता है, सेम डोर है। ऑटो अप और ऑटो डाउन का ओनली ड्राइवर साइड ऑप्शन है। ट्विटर स्पीकर इसमें है, विंडोज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये रहे एसी वेंट्स, और यहाँ पे ये अपना एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख लो आप इसका। तो सेम है भाई, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, बस बाहर से फेसलिफ्ट वर्जन का यही तो मतलब होता है कि फेसलिफ्ट करा है कार में हमने, थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं। इसका जो ये है स्टीरियो, ये आफ्टर मार्केट है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल था वो ओनर जो भाई हैं उनने हमें बताया कि
वो लैग ही बहुत था और वो खराब हो गया था। ये होंडा की सारी कार्स में तो कह सकते हैं दिक्कत है, वो लैग ही बहुत होता है। तो बाकी सब सेम है। चलो एक बार हम आपको अब ओनर से मिलवा देते हैं। गाड़ी के ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव भाई। कैसे हो भाई? हेलो, बढ़िया भाई। एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मैं वैभव शर्मा, आगे क्या? कार के ओनर। तो भाई कैसी लगती है आपको होंडा सिटी? अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है। तो मतलब स्टीयरिंग वगैरह की स्टेबिलिटी कैसी है? हाँ सही है, हाईवे पे थोड़ी मतलब इतनी स्टेबल नहीं है जैसे इसके कंपैरिजन में वरना है। अच्छा, पर की ये है कि हाँ कंफर्ट है इसमें और एवरेज अच्छी है इस गाड़ी की। कितनी एवरेज निकाल देती है भाई ये? 24-25 की निकाल देती है हाईवे पर आराम से। अच्छा भाई, तो इसमें 6 गियर आते हैं, पुरानी वाली में 5 है, तो कितनी टॉप स्पीड टच कर देगी ये? 170-180 आराम से पहुंच जाती है। अच्छा, खाली स्ट्रेच हो तो। और ये जो भाई इसकी सनरूफ है, ये यूजफुल है? हाँ है, अच्छा मौसम जैसे अब हो रहा है, बारिश है उसमें। अच्छा, तो भाई कभी निकले हो? नहीं भाई, भाई वगैरह निकले होंगे। हाँ तो भाई ज़्यादा ड्राइविंग पे ही ध्यान देते हैं। भाई ड्राइव क्वालिटी कैसी है कार की? बढ़िया है, गाड़ी चलने में अच्छी है, थकान नहीं होती गाड़ी को कितना ही चलाओ। अच्छा, तो भाई ने टोटल चला दी ये के राउंड चल चुकी है 60,000 के राउंड भाई ने गाड़ी चला दी है। और एक आपको नई कार का और रिव्यू देंगे भाई, ले रहे हैं वो, हम अभी बताएंगे नहीं कौन सी है। और इसके स्टीरियो के बारे में कुछ बता रहे थे भाई आप। हाँ, जो इसका कंपनी से स्टीरियो आता है ये थोड़ा हैंग होता है तो इसलिए चेंज करवाया था। अच्छा, तो हैंग था बस, और कोई दिक्कत नहीं है? रिस्पॉन्स करना खत्म बंद हो जाता है उसका, मतलब जब गाड़ी चल भी रही होगी तो उसे साइड में खड़ी करके पहले गाड़ी बंद करनी पड़ती है। अच्छा, रीसेट करना पड़ता फिर है, फिर बंद करे दोबारा स्टार्ट करो तब वो सही होता है। और भाई एसी कार का? एसी अच्छा है, कोई कमी नहीं, ऐसी तो कोई कमी नहीं है भाई। पॉजिटिव्स जो आपको लगते हो कार के? एवरेज है, कंफर्ट है। और भाई कुछ नेगेटिव भी हो गई? नेगेटिव है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी वो नहीं है अच्छी, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में भी। अच्छा, इसके अंदर अंदर में पेच वगैरह उनकी आवाज आती रहती है डैशबोर्ड के अंदर थोड़ी चलने के बाद गाड़ी। अच्छा, मतलब ज्यादा वो नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं दी उन्होंने? हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी, अंदर से नट और स्क्रू ये बचते रहते हैं। इसमें कोई डैशबोर्ड कूल्ड वगैरह भी है? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, और भाई ब्रेक कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक अच्छे हैं, अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे ब्रेक है इसके। अच्छा, तो दोनों डिस्क हैं या मतलब चारों? आगे डिस्क है, पीछे ड्रम है। अच्छा, ड्रम है पीछे। तो भाई ये था थोड़ा सा भाई का एक्सपीरियंस, अब भाई एक बार चला के बताएंगे तो हम दिखाते हैं। तो चलो भाई लेके चल रहे हैं छोटी सी कार की ड्राइव पे। तो भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी है कार की? इतनी मतलब ठीक नहीं, वैसी है मारुति वगैरह की आती है। इतनी कमजोर? ज्यादा वो नहीं है, हैवी गाड़ी नहीं है, इससे पहले जो आई बिल्टेक आती थी ना उसके मुकाबले। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है। और पिकअप कैसा है भाई? पिकअप सही है, मतलब जितना होना चाहिए गाड़ी एकदम, मतलब सेडान के हिसाब से सही है। अच्छा है कि कंफर्ट के साथ जैसे किसी को एकदम वो ना लगे। तो एक बार दिखाओगे भाई थोड़ा सा पिकअप इसका? देख लो भाई कितना पिकअप है इसका, एकदम से मतलब पुश देती है पीछे की तरफ। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो बिल्ड क्वालिटी भाई ने बता दी, थोड़ी हल्की है पुरानी वाली से। ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी काफी। और ये सनरूफ देख लो थोड़ी सी। दो जने आराम से निकल सकते हैं इसमें से, शायद निकल जाएंगे दो जने तो। और स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है भाई? स्पीकर अच्छे हैं इसके। अरे चलाओ। तो भाई गाड़ी मतलब भाई सजेस्ट करोगे किसी को? अब तो ये वाली शेप बंद होगी वैसे। हाँ, किसी को लेनी थी कंफर्ट के हिसाब से, और वो तो अब भी सिटी ही देख सकता है। फैमिली के लिए परफेक्ट गाड़ी है एक। मतलब 4-5 लोग बैठ जाते हैं इसमें आराम से? बैठ जाते हैं पीछे, जहाँ बोलने में फंस जाते हैं। अच्छा, इसमें आराम से बैठ जाते हैं पीछे 5 लोग भी। तो भाई जैसे लेग रूम भी पूरा मिलता है। जैसे यहाँ पे आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख रहे हो ना, वैसे स्क्रीन पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको जरूर दबा देना भाई। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देख लो अभी तो चल ही रही है, मतलब बढ़िया कार है भाई के हिसाब से। भाई कोई भी ले लो जिसपे इतनी। हाँ, फैमिली वाला बंदा, फैमिली उसके लिए बेस्ट गाड़ी है भाई। ये टॉप मॉडल है? हाँ, इसके ऊपर ZX आता है, उसमें बस 6 एयरबैग और उसका फर्क है, बाकी कुछ वो नहीं है। और इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा था आपको?
साढ़े पंद्रह की टॉप से एक नीचे कोई कमी नहीं है, सनरूफ आ रही है का, गाड़ी कुछ है इसमें, आगे एलईडी हेड लैंप वगैरह सब कुछ जो टॉप उसमें आते हैं ZX में, एलईडी है इसमें आगे तो हाँ। बस एक 6 एयरबैग की वजह से वो टॉप मॉडल है। हाँ 6 एयरबैग है उसमें बस। ओके तो भाई ये था भाई का रिव्यू, भाई के हिसाब से कार बहुत अच्छी है, भाई सजेस्ट कर रहे हैं सबको ले लो।